आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों भारत के 12वें प्रधानमंत्री इंदर कुमार गुजराल, आई के गुजराल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये वही प्रधानमंत्री है जिनको रात में 2 बजे बोला गया था कि चलिए जनाब आपको प्रधानमंत्री पद की शपथ लेनी है। ये वही प्रधानमंत्री है जो निहायत ही ईमानदार थे, बहुत ज्यादा ईमानदार थे, लेकिन उसके बावजूद इनके दामन पे दाग। ये वही प्रधानमंत्री है जिनको इतनी सारी पोजीशंस मिली थी, हाईली एजुकेटेड, वेल ड्रेस्ड इनको बोला जाता था। एक पॉलिटिशियन को जिस तरीके से होना चाहिए था ना, होना चाहिए, ये बिल्कुल उस तरीके से थे। हाईली एजुकेटेड, ढेरों मिनिस्टीरियल पोजीशंस पे ये रहे थे, इंटरनेशनल डेलीगेशन को इन्होंने लीड किया था, बहुत सारी कमिटीज के ये चेयरमैन रहे थे और प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन उसके बावजूद भारत में जिस तरीके से हम और प्रधानमंत्रियों को देखते हैं, इनको उस तरीके से याद नहीं रखा जाता। प्रधानमंत्री बहुत ही कम समय के लिए बने थे, बलि का बकरा इनको बनाया गया था, बहुत खुश थे, बहुत ही लेट इनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। 78 साल की उम्र में ये प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन वो भी खाली कुछ महीनों के लिए। जब इन्होंने सोचा था कि रिटायर होके आराम से अपना जीवन व्यतीत करूंगा, उसी के बाद वापस आओ जनाब, प्रधानमंत्री बन जाओ। तो आई के गुजराल का कुछ इस तरीके का करियर था, लेकिन इनका जो कैलिबर था जबरदस्त था, कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता इनके कैलिबर को दोस्तों। विदेश नीति के ये एक्सपर्ट थे भैया। गुजराल डॉक्ट्रिन्स तो इनकी कमाली थी, 5 पॉइंट प्रोग्राम मैं डिस्कस करूंगा अभी आके, 5 पॉइंट प्रोग्राम जो बनाया था इन्होंने एशियन कंट्रीज के लिए, वो तो कमाल था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेड अंडरस्कोर ई कनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, दोनों ही जगह आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू के टैबलेट और एंड्रॉइड कोर्सेज हर एग्जाम्स के लिए आते हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। प्राइम मिनिस्टर सीरीज चल रही है दोस्तों, मैं हर प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री की बायोग्राफी को रिव्यू कर चुका हूं। हम जवाहरलाल नेहरू की बायोग्राफी देख चुके हैं, हम लाल बहादुर शास्त्री की बायोग्राफी देख चुके हैं, इंदिरा गांधी की ऑटोबायोग्राफी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी की हमने नहीं की है। तो ये मैं 2 पार्ट में लेके आऊंगा, या तो मैं मार्च के लास्ट वीक में लेके आऊंगा या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में लेके आऊंगा। वीपी सिंह की बायोग्राफी देख चुके हैं, चंद्रशेखर की, नरसिम्हा राव, देवेगौड़ा की कल ही हमने देखी थी, आई के गुजराल का भी देख रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, तो सबकी बायोग्राफी देख चुके हैं। कल मैंने आपको देवेगौड़ा के बारे में बताया था, इसके तुरंत बाद में आई के गुजराल का लेक्चर आपके सामने लेके आ रहा हूं। अच्छा, ऐसा क्यों है दोस्तों? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं फ्लो टूटे। दोस्तों ये जो दौर है ना, 1996 से लेकर 98 तक, ये एक ऐसा दौर था, यहाँ पे 3 प्रधानमंत्री आए थे और यही प्रधानमंत्री चले गए थे, आपको पता है कि नहीं? ये बड़ा ही भारत के इतिहास में ये जो 2 साल थे ना, क्योंकि जब इलेक्शन हुए थे 1996 में, किसी को मेजॉरिटी तो मिली नहीं थी, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी थी, 161 सीटें, लेकिन मेजॉरिटी कहां थी? 272 का आंकड़ा आपको पार करना था। तो ये गठजोड़ की जो सरकारें थी ना, कोलिशन गवर्नमेंट का जो दौर है वो शुरू हो गया था और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि प्रधानमंत्री ऐसे बदले जा रहे थे जैसे कोई कपड़े बदलता है। तो इस तरीके का ये बहुत ही ज्यादा ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि फ्लो ना टूटे। देवेगौड़ा की कहानी मैंने बताई थी, अगर आई के गुजराल का लेक्चर बाद में लेके आता तो आपको समझ में नहीं आता, तो मैंने सोचा कि तुरंत ही आई के गुजराल का लेक्चर जो है वो लाना सही रहेगा। आप दोस्तों लाइन से लेक्चर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस 2018 तक, 1947 से 2018 तक का भारत किस तरीके का है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आप देख लीजिए दोस्तों, आई के गुजराल ने जो पोजीशंस ली, मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूं, जरा आप देखिए इनका कैलिबर क्या था। इन्होंने सारी पोजीशंस ली दोस्तों भारत की, जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस होती है। प्रधानमंत्री तो ये बने ही, प्रधानमंत्री तो बने 1997 से, लेकिन उसके पहले इन्होंने क्या किया? इनको वैसे फॉरेन मिनिस्ट्री ही ज्यादा दी जाती थी, और जब इनको लग रहा था कि अब मुझे रिटायर हो जाना चाहिए, तभी इनको वापस बुला लिया गया। बड़ी ट्रेजिक स्टोरी है दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा। संजय गांधी से भी इनके जो रिश्ते थे वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, तल्ख रिश्ते थे इनके, इसीलिए तो इनको सोवियत यूनियन भेज दिया गया था। तो दोस्तों ऐसा है कि सबसे पहले इन्होंने, मतलब प्रधानमंत्री बनने से पहले इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स लिया, मतलब फॉरेन मिनिस्ट्री ली, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के भी ये मिनिस्टर थे, उसके बाद
इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे, फिर कम्युनिकेशन एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर थे दोस्तों, तो ये सब थी। अब ये आप देख लीजिए कि पार्लियामेंट्री पोजीशंस इनके पास कौन कौन सी थी, आप देख सकते हैं ना भैया इतनी सारी, किसी इंसान के पास पोजीशन है राइट लेफ्ट सेंटर उसको सब कुछ मालूम होगा। लीडर ऑफ द हाउस थे राज्यसभा के, ये चेयरमैन थे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज ऑन कॉमर्स एंड टेक्सटाइल के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी, ये आप देख सकते हैं, पूरा देख लीजिएगा, रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। इंटरनेशनल डेलीगेशन, भैया यूनाइटेड नेशन जब भारत गया था 1996 में इन्होंने लीड किया था, तो ये भी आप देख सकते हैं, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में भारत का प्रतिनिधित्व किया था इंदर कुमार गुजराल ने, उसके बावजूद इनको बिल्कुल किनारे कर दिया गया था। जी हाँ, अब इंदर कुमार गुजराल का जो जन्म था वो 4 दिसंबर 1919 में हुआ था पाकिस्तान में, पाकिस्तान के झेलम के एक छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों बताना चाहता हूं, हिंदू खत्री, पंजाबी हिंदू हिंदू खत्री फैमिली थी, हालांकि उस समय तो कोई पाकिस्तान था ही नहीं, हिंदुस्तान एक था, लेकिन 1947 के बाद ये बट गया, तो टेक्निकली हम बोलेंगे कि इंदर कुमार गुजराल का जन्म जो है वो पाकिस्तान में ही हुआ था 4 दिसंबर 1919 में। भैया इनके पिताजी, इनकी माताजी दोनों ही फ्रीडम फाइटर थे। आपको बताना चाहता हूं कि बहुत ही जल्द 12 साल की उम्र में इन्होंने भी ये जो फ्रीडम मूवमेंट थे ना, हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। और 1931 में तो जो फ्रीडम मूवमेंट हुआ था पूरा का पूरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बड़ी मार पड़ी थी इनको, पुलिस वालों ने इनको बहुत मारा था। क्विट इंडिया मूवमेंट जब 1942 में हुआ था तब इनको जेल भेजा गया था, डीएवी कॉलेज में पढ़ते थे। दोस्तों बताना चाहता हूं, ये बीकॉम है, एमए है, डीलिट और पीएचडी, सारी डिग्री इनके पास है, हाईली एजुकेटेड है, और बहुत ही जल्दी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मेंबर भी हो गए। तो कम्युनिस्ट थे ये, कम्युनिज्म को इन्होंने समझा। चलिए मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, और कौन कौन से लीडर्स थे भारत के जो कम्युनिस्ट थे। वैसे मैंने प्राइम मिनिस्टर सीरीज में ही कवर किया है और एक और इंसान की बायोग्राफी कवर की है। चलिए मुझे बताइए कि और कौन कौन से लीडर्स को आप जानते हैं, बड़े लीडर्स जो कम्युनिस्ट हैं या थे, कमेंट बॉक्स में बताइए आपका ये कमेंट बॉक्स। वैसे तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मेंबर भी ये हो गए। बताना चाहता हूं दोस्तों, जब ये लाहौर थे वहां पे भी स्टूडेंट यूनिट था उसके भी ये हेड थे, कला से ये बहुत ज्यादा प्यार करते थे। वैसे इनका जो पूरा परिवार था वो कला प्रेमी था। इनके भाई सतीश गुजराल रिनोन्ड पेंटर और स्कल्पचर थे, इनकी जो बीवी थी शीला गुजराल वो भी कवित्री थी। तो भैया जब भी इनको फ्री टाइम मिलता था, खुद भी ये शेरो शायरी में बड़ा इंटरेस्ट रखते थे, खुद भी इनको उर्दू पूरी तरीके से अच्छी तरीके से आती थी। भैया फैज अहमद फैज के स्टूडेंट रहे थे ये, तो ये आप देख सकते हैं, इनकी दो बहनें थी और इनके भाई जो हैं सतीश गुजराल वो रिनोन्ड पेंटर और स्कल्पचर हैं। बाकी इनके दो बेटे भी हुए, एक जिनका नाम है नरेश गुजराल जो कि राज्यसभा एमपी, और विशाल गुजराल, तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों पॉलिटिकल करियर की बात करें तो भैया हाईली एजुकेटेड थे, पहले तो ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स में ये आए और बहुत ही जल्द इन्होंने भी पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली थी। देवेगौड़ा का भी हमने देखा था, 20 साल की उम्र में उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली थी। देखिए दोस्तों कितना बढ़िया है, मतलब मुझे जब मैं ये सब पढ़ता हूं तो कितना अच्छा लगता है कि भारत जो है, भारत एकमात्र ऐसा कंट्री है जिसमें जो लीडर्स आ रहे हैं, एक जमीन दूसरा आसमान। देवेगौड़ा को हमने देखा था, वो जिस तरीके के प्रधानमंत्री थे वो बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए थे, वो एक सोशलिस्ट थे, लेकिन आई के गुजराल ऐसे नहीं थे। तो आप देख सकते हैं ना, आइडियोलॉजी का डिफरेंस होने के बावजूद जो लीडर्स आ रहे हैं वो किस तरीके के आ रहे हैं, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेसी है। तो ये चीज है। अब इंदिरा गांधी के ये बहुत ज्यादा करीबी हो गए थे, बताना चाहता हूं। इंदिरा गांधी, जब जवाहरलाल नेहरू का देहांत हुआ था 1964 में, तो इंदिरा गांधी को ही बोला जा रहा था कि यही आएंगी पॉलिटिक्स में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कामराज ने पूरा प्लान बनाया और लाल बहादुर शास्त्री को आगे करा। मोरारजी देसाई का मन था प्रधानमंत्री बनने का, वो बन नहीं पाए, मूड खराब हो गया था मोरारजी देसाई का, वो मैंने उनकी पूरी बायोग्राफी में कवर किया है। तो इंदिरा गांधी के काफी करीबी थे। इंदिरा गांधी एक ऐसी फौज बना रही थी जो उनके साथ रहे, उनको सपोर्ट करे, क्योंकि जब दोस्तों इंदिरा गांधी उस समय ज्यादा परिपक्व तो हुई नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने पॉलिटिक्स सीखी उन्होंने एक एक को किनारे करना शुरू कर दिया। और उसके बाद दोस्तों इंदिरा गांधी के जो रिफॉर्म थे वो तो कमाल के थे। दोस्तों आप कुछ भी, आप चाहे इंदिरा गांधी से नफरत करें, चाहे इनसे प्यार करें, चाहे आप इनको जितनी भी गालियां दें,
एक बात तो बिल्कुल तय है कि इंदिरा गांधी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है, ये तो बिल्कुल सही बात है। और इसमें कोई मतलब जो लीडर जो है, कोई भी लीडर है चाहे वो किसी भी पार्टी का, अगर वो कुछ भी भारत के लिए अच्छा करता है उसकी हमको तारीफ करनी चाहिए। इंदिरा गांधी ने उस समय बैंकों को नेशनलाइज कर दिया था, आपको पता ही है जुलाई 1969 का ये जो डिसीजन था, क्योंकि इंदिरा गांधी को ऐसा बोला जा रहा था कि ये कम्युनिज्म की तरफ चली गई हैं, पार्टी के जो डिसीजन थे इंदिरा गांधी के वो होते नहीं थे। तो इंदिरा गांधी को चुपके से बाहर निकाल दिया गया और उसके बाद कांग्रेस स्प्लिट हो गई। तो दोस्तों यहां पर कंडीशन बहुत बुरी हो गई थी। तो यहां पे आईके गुजराल का रोल जो है वो बहुत ही ज्यादा अहम हो गया था, लेकिन अभी आईके गुजराल का रियल कॉन्फ्लिक्ट तो बाकी था। आईके गुजराल की जो लड़ाई है ना दोस्तों, वो संजय गांधी से भी हुई थी और इसीलिए आईके गुजराल को सोवियत यूनियन भेज दिया गया था। हुआ ये था दोस्तों कि जब इमरजेंसी लगी थी 1975 में, तो गुजराल इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे, इनको दूरदर्शन का भी क्या कहते हैं कि पूरा कार्यभार दिया गया था। अब यहां पे देखिए मीडिया जो है एक ऐसा स्तंभ है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी को बोला जाता है। तो एक ऐसा स्तंभ है दोस्तों मीडिया जो है, जो सब कुछ बदल सकता है, क्योंकि हम जो देखते हैं वही सोचते हैं। या तो हम इतने ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो जाए कि बिल्कुल तह तक जाएं, हर चीज को पढ़ें, वो ज्यादातर लोग नहीं होता है क्योंकि उनके पास वक्त भी नहीं होता है। जरूरी नहीं कि हर किसी का प्रोफेशन सेम हो। अगर मान लीजिए कि कोई एक इंसान शॉप चलाता है, उसकी दुकान है, तो वो उसके पास इतना वक्त नहीं होगा कि चीजें बैठ के पढ़े तह तक जाए, ठीक है। तो उसके पास क्या रास्ता होता है, मीडिया जो दिखाती है वो समझता है। तो अब यहां पे दोस्तों ऐसा है कि मीडिया को सेंसर किया जा रहा था कि भैया इंदिरा गांधी के खिलाफ अगर खबरें दिखाई तो फिर खैर नहीं मीडिया की। यह चीज थी। आईके गुजराल इसके खिलाफ खड़े हो गए कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। दूसरी चीज ये हो गई थी दोस्तों कि एक बार आईके गुजराल को, इंदर कुमार गुजराल को प्रधानमंत्री आवास बुलाया गया था। वहां पे देखिए इंदिरा गांधी डिसीजन लेती थी लेकिन संजय गांधी जो है वो बताते थे, ठीक है। और संजय गांधी की पावर, ऐसा बहुत लोग बोला जाता है, आउट ऑफ द रिकॉर्ड्स ये भी बोला जाता है कि संजय गांधी की पावर जो है वो इंदिरा गांधी से ज्यादा हो गई थी। संजय गांधी इंदिरा गांधी के बेटे थे। तो संजय गांधी ने बड़े तल्ख अंदाज में आईके गुजराल को आदेश दिए। अब भैया इंदर कुमार गुजराल इतने पढ़े लिखे, इतने एक्सपीरियंस्ड इंसान, आधी उनके उनके बेटे की उम्र का लड़का उनसे कुछ इस तरीके से बात कर रहा हो, तो आईके गुजराल ने उनको डांटते हुए बोला कि तुम मेरी बेटे की उम्र के हो, मैं तुमसे जो है वो आदेश नहीं लूंगा, तुम्हारी मम्मी का आदेश मैं मानता हूं, समझ रहे हो ना। तो ये है। तो यहां पे फिर वो वहां से चले गए। इंदिरा गांधी को ये समझ में आ गया था कि प्रॉब्लम हो गई है। संजय गांधी को एक तरफ बेटा था और एक तरफ उनका बहुत बड़ा सहयोगी, संजय गांधी को भी नहीं नाराज कर सकती थी, आईके गुजराल को भी नहीं नाराज कर सकती थी। तो उन्होंने क्या बोला, बीच का रास्ता निकाला गया, उन्होंने उनको सोवियत यूनियन भेज दिया एज एन इंडियन एम्बेसडर। यहां पे जो इनका पॉलिटिकल करियर है वो थम गया, क्योंकि भारत के राजदूत होके ये सोवियत यूनियन चले गए। सोवियत यूनियन से उस समय रिश्ते बहुत ज्यादा अच्छे करने थे हमको। तो 1977 में जब जनता पार्टी आई, जेपी मूवमेंट, अरे क्या जबरदस्त मूवमेंट था दोस्तों, छात्र आंदोलन को उन्होंने कुछ ऐसा आयाम दे दिया था कि एक सत्ता ही उखाड़ फेंकी थी। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि ने तो उनको बताई दिया है कि भारत का जो भाग्य विधाता है ना वो जेपी ही है, ये बोला था उन्होंने। तो दोस्तों जेपी की भी हालत, जयप्रकाश नारायण की मैंने बायोग्राफी पूरी कवर किया, पार्ट वन पार्ट टू, एक घंटे का सेशन है, आप देख लीजिएगा, मैं बताता रहता हूं, वरना बाद में फिर कमेंट बॉक्स और फेसबुक प्रोफाइल पे आप बोलते हैं कि सर इनकी बायोग्राफी भी रिव्यू कर दो, तो सब मैंने किए हुए हैं दोस्तों, आप देख लीजिएगा, अब तो प्लेलिस्ट भी पूरी बनी हुई है। तो ऐसा है दोस्तों कि इनको सोवियत यूनियन भेज दिया गया। तो यहां पे बीच का रास्ता निकाल लिया गया। 1977 में जब जनता पार्टी आई तो इनकी कोई जरूरत नहीं थी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, इनकी कोई खास जरूरत नहीं थी। आपको बता दूं कि 1960 के दशक में एक नया ब्लॉक स्टार्ट हो गया था, यहां पे आइडियोलॉजीज बट गई थी, ठीक है। अब यहां पे जो आइडियोलॉजीज बटी थी उसमें जो युवा लोग थे वो आगे आ रहे थे, जिसमें बहुत सारे युवा थे, इसमें एक चंद्रशेखर भी थे, यंग टर्क उनको बोला जाता था ना, उनकी बायोग्राफी देख लीजिएगा, चंद्रशेखर की भी क्या जबरदस्त, यूपी बलिया से थे, जिंदगी भर उन्होंने कोई भी मंत्री पद नहीं लिया और जब बने प्रधानमंत्री बने। आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, मैंने उनकी बायोग्राफी में भी बताया था कि 1977 में जब जनता पार्टी आई थी, जेपी चाहते थे
चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने, लेकिन चंद्रशेखर ने ऐसा नहीं किया था और बहुत ज्यादा इस पे उनको दुख भी हुआ था, क्योंकि मुरारजी देसाई ने ऐसी बेइज्जती की थी जेपी की, वो सबको पता है। बेइज्जती मतलब उनकी जेपी को बिल्कुल किनारे कर दिया गया था, जिस तरीके से गांधी जी को 1947 के बाद से किनारे कर दिया गया था ना, गांधी जी ने बोला था कि क्या मैं वही गांधी हूं जिसके पीछे पूरा देश चलता था, उसी तरीके से जेपी को भी किनारे कर दिया गया था। तो ये क्यों हुआ था? पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई थी, जनता पार्टी अंदर में ही इतनी ज्यादा दिक्कतें हो गई थी, जनता पार्टी के अंदर की पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा हो गई थी कि पार्टी टूट गई। बहरहाल आई के गुजराल जो थे, आई के गुजराल को उस समय नहीं बुलाया गया वापस, क्योंकि उस समय सोवियत यूनियन से हम रिश्ते बहुत अच्छे करने थे, ठीक है, क्योंकि भारत एक सोशलिस्ट इकोनॉमी था, अभी तक इकोनॉमी जो है वो खुली नहीं थी, अमेरिका हमारे अगेंस्ट था, तो सोवियत यूनियन अगर हमारे साथ नहीं रहेगा तो हम बिल्कुल ही चले जाते। तो इसीलिए, क्योंकि एक्सपीरियंस थे आई के गुजराल और इनको पता था किस तरीके के से चीजों को हैंडल करना है, तो इसीलिए इनको बोला गया कि भैया अभी तुम वही ठीक हो, वही रहो। दोस्तों 1989 में दोस्तों इनको मौका मिलता है, 1989 में 1980s में ही ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं, ठीक है, और जनता दल को ही ज्वाइन करते हैं। उसके बाद 1989 में जब इलेक्शन होते हैं दोस्तों, जनता दल जनता पार्टी का ही एक फैक्शन था, ठीक है, उसी से ही निकला था जनता दल। जनता पार्टी ने सारी छोटी छोटी पार्टीज को मिला लिया था, जनता दल ने भी यही किया था, लेकिन जनता पार्टी से बीजेपी हट गई थी, यहीं से तो बीजेपी निकली ना, ठीक है ना। तो यहां पर जनता दल, वीपी सिंह वाली जनता दल, वीपी सिंह ने बना लिया था, तीसरा मोर्चा तैयार कर लिया था, बीजेपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस, हम तीसरा मोर्चा है। तीसरा मोर्चा वैसे नहीं बोला जाएगा क्योंकि जनता दल ने भी बहुत सारी पार्टीज को मिलाया था। तो यहां पे इनके वीपी सिंह जो है वो प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। अब दोस्तों ऐसा था कि 1989 में जो जनरल इलेक्शन हुए थे, गुजराल जो है वो जालंधर पंजाब से चुन के आए थे। इधर वीपी सिंह जो थे, वीपी सिंह भी दोस्तों भैया पहले कांग्रेस में ही तो थे, लेकिन जैसे ही राजीव गांधी का ये पूरा बोफोर्स घोटाला हुआ और जब ये बोफोर्स घोटाला सामने आया, वीपी सिंह को एक मौका मिल गया, उन्होंने भ्रष्टाचारी आंदोलन चला दिया, और जैसे ही भ्रष्टाचारी आंदोलन चलाया अपना, देखिए ऐसे यही पॉलिटिक्स है, उन्होंने चुपके से अपने आप को अलग कर लिया, जनता दल बना लिया, और उसमें बहुत सारी पार्टीज जो थी जो राजीव गांधी के सपोर्ट नहीं करती थी वो इनसे आकर मिल गई, और 90s के बाद ये सब ड्रामा जो है वो शुरू होने लगा। पहले चंद्रशेखर, फिर वीपी सिंह, उसके बाद फाइनली पीवी नरसिम्हा राव 1991 से लेकर 1996 तक। बताना चाहता हूं कि गुजराल ने नरसिम्हा राव से ही इंस्पिरेशन ली थी, जब गुजराल को प्रधानमंत्री बनाया था, कि बहुत लोग तो हंसने लगे थे कि ये क्या है, ये तो एक दिन, ये एक महीने से ज्यादा सरकार टिकेगी ही नहीं, ठीक है, लेकिन गुजराल की सरकार टिकी। गुजराल ने पीवी नरसिम्हा राव का ही एग्जाम्पल लिया था कि जिस तरीके से नरसिम्हा राव अगर 5 साल अपनी सरकार चला सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो इनको वीपी सिंह की सरकार में मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स क्यों तब इनको बुलाया गया, इनकी जरूरत पड़ी, मतलब फॉरेन मिनिस्टर जो है वो बनाया गया कि आप आइए और हमारी सरकार में मंत्री बनिए। अब दोस्तों आपको पता ही है कि 1989 में मैंने, याद है जब कश्मीरी पंडित के का लेक्चर जो है वो रिव्यू किया था, तो मैंने आपको बताया था कि भैया 1990s में जो अनस्टेबिलिटी थी कश्मीर में और कश्मीरी पंडितों को मार मार के भगाया जा रहा था, मिलिटेंट्स ने कश्मीर घाटी पे कब्जा कर लिया था, और भैया जो क्या कहते हैं कि जो मिनिस्टर थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, उनकी बेटी, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर थे ये, ठीक है, वीपी सिंह की सरकार में, तो उनकी बेटी रूबिया सईद को किडनैप कर लिया गया था, ठीक है। अब यहां पर मिलिटेंट्स ने बोला कि आप आतंकवादियों को छोड़ दीजिए, हम आपकी बेटी को छोड़ देंगे, तो ये पहली चुनौती जो है वो सीधा आईके गुजराल के पास आ गई। तो आईके गुजराल ने फिर कुछ आतंकवादियों को छोड़ना ही पड़ा और इनकी बेटी को उन्होंने सकुशल जो है वो छुड़वाया। तो ये सारी चीज थी। अब वो मैं पूरा का पूरा क्या सिनारियो था 1990s में वो पूरा मैं कवर कर चुका हूं, कश्मीरी पंडित वाला वीडियो देख लीजिएगा, यहां पे मैं रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन दोस्तों ये तो सिर्फ शुरुआत थी, अभी तो चुनौतियां आने वाली थी। 1991 में दोस्तों जनरल इलेक्शंस हुए, गुजराल ने पटना बिहार से अपने इलेक्शन को लड़ा और जीते वहां से, लेकिन पहला दाग इस इलेक्शन को खारिज कर दिया गया, बोला गया इसमें धांधली हुई है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, लालू प्रसाद यादव के बहुत करीब आ गए थे आई के गुजराल,
लालू प्रसाद यादव, आईके गुजराल, इंदर कुमार गुजराल को बहुत सपोर्ट करते थे। उन्होंने जो लिस्ट बनाई थी उसमें आईके गुजराल का नाम रखा था, तभी तो वो बिहार पटना से इलेक्शन लड़े थे ना और जीते थे। लेकिन फिर इलेक्शन कमीशन ने ये बोल दिया कि ये तो पूरी धांधली हुई है जो इलेक्शन ये जीते हैं। एक ईमानदार इंसान थे आईके गुजराल, लेकिन जब ये इलेक्शन जीते तो इन्होंने सीधा वहां पे ये आरोप लगे कि ये पूरी धांधली हुई है, तो ये वहां से फिर ये जीत नहीं पाए। ठीक है, तो कहते हैं ना कि जीतने के बाद भी इनको वो औहदा नहीं मिला। फिर 1992 में गुजराल जो है वो राज्यसभा से चुनकर आए लालू प्रसाद यादव की हेल्प से। लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, दोस्तों आपको पता है कि 1996 देवेगौड़ा के बाद मुलायम सिंह यादव को भी प्रधानमंत्री बनाने की बात चल रही थी, और मुलायम सिंह यादव भी अड़ गए थे कि आईके गुजराल को प्रधानमंत्री ना बनाया जाए, लेकिन फिर उनको मनाया गया। बहुत सारी पार्टीज थी ना दोस्तों, जितनी भी पार्टीज आप देख रहे हैं ना, तेलुगु देशम पार्टी हो गई और आपकी ये सीपीआई हो गई, जितनी भी ऐसा पार्टी थी ये सब यूनाइटेड फ्रंट के अंदर आती थी। ठीक है ना, तो ये चीज थी। अब 1991 से लेकर 1996 तक तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार चली, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे और प्रधानमंत्री थे। तो 1996 के बाद जब जनरल इलेक्शन हुए तो किसी को बहुमत नहीं मिली। अब उसके बाद तीसरा मोर्चा शुरू हुआ, खड़ा हुआ, यूनाइटेड फ्रंट बना, उसमें सारी पार्टीज आई। ज्योति बसु जो थे 1976 से बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे, ये सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, सीपीआई मार्क्सिस्ट के ये नेता थे। तो ज्योति बसु का नाम आ गया है कि ज्योति बसु को प्रधानमंत्री बना दो, लेकिन इनकी पार्टी ने बोल दिया कि बेकार है क्योंकि हमारे पास बहुमत है नहीं, और अगर हम ज्योति बसु को आगे करते हैं तो ज्योति बसु सरकार चला नहीं पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली सपोर्ट पीछे से कौन कर रहा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस हाथ खींच लेगी, फायदा नहीं है, हम देश के लिए कुछ कर नहीं पाएंगे, हम किसानों के लिए कुछ कर नहीं पाएंगे, इसीलिए बेटर यही है कि ज्योति बसु ना बने प्रधानमंत्री। ज्योति बसु को बाद में हालांकि बड़ा दुख हुआ था और उन्होंने इस डिसीजन को पॉलिटिकल ब्लंडर बताया था, इसीलिए देवेगौड़ा को आगे लाया गया। देवेगौड़ा की 10 महीने तक सरकार चली, लेकिन 1997 में देवेगौड़ा से हाथ खींच लिया था। क्यों खींच लिया था? क्योंकि सीताराम केसरी जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे। क्या इनका रंगीला मिजाज था दोस्तों, ना खाता ना भाई, जो केसरी कहे वही सही, केसरी मतलब कांग्रेस, इस तरीके के हो गई थी कांग्रेस। तो सीताराम केसरी, क्योंकि दोस्तों ऐसा है कि 1996 के बाद कांग्रेस में अंदरूनी बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, पार्टी टूटने के कगार पे आ गई थी। यहां पे पीवी नरसिम्हा राव को बिल्कुल किनारे कर दिया गया था और सीताराम केसरी आए थे, तो सीताराम केसरी चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री बने। और आपको पता है कि जैसे ही देवेगौड़ा को हटाया गया, इसमें सबसे बड़ा हाथ क्या था? सीताराम केसरी का। दोस्तों जब यह चीज हुई थी तो कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स जो थे उनको भी यह डिसीजन कुछ समझ में नहीं आया था कि क्यों उन्होंने देवेगौड़ा से सपोर्ट वापस लिया है, क्यों उन्होंने इस सरकार से सपोर्ट वापस लिया है, यह समझ के परे है। क्योंकि सीताराम केसरी का पर्सनल इंटरेस्ट था, उनको पता था कि अभी मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूं तो मैं सपोर्ट वापस ले रहा हूं। तो भैया उन्होंने उस समय जो राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा, राष्ट्रपति भवन की तरफ उन्होंने अपनी गाड़ी मोड़ ली और उन्होंने राष्ट्रपति को चिट्ठी दे दी, सीताराम केसरी की बात कर रहा हूं, कि मैं देवेगौड़ा से सपोर्ट वापस लेता हूं। तो देवेगौड़ा की सरकार क्या है, गिर गई, वहीं पे कोलैप्स हो गई गवर्नमेंट। वो मैंने पूरा कवर किया है क्या कहानी थी। अब उसमें अटल बिहारी वाजपेयी क्या है, बीजेपी क्या कर रही थी दोस्तों, बीजेपी आपको पता ही है कि जो 1996 में इलेक्शन हुए तो उसमें सबसे ज्यादा सीट किसको मिली थी, बीजेपी को। तो शंकर दयाल शर्मा ने, देखिए यूनाइटेड फ्रंट दो पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का यहां पर इतना सामने नहीं आई थी क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस को पता था कि हम तो सरकार नहीं बना पाएंगे, तो यहां पे दो ही ऑप्शन थे, या तो बीजेपी सरकार बनाएगी या तो यूनाइटेड फ्रंट सरकार बनाएगी। तो यूनाइटेड फ्रंट बातचीत चल रही थी, कौन प्रधानमंत्री होगा, क्या होगा, कमिटीज की बैठक हो रही थी, डेली लोग मिल रहे थे, लीडर्स मिल रहे थे, लेकिन शंकर दयाल शर्मा ने पहले किसको न्योता दिया, पहले बीजेपी को न्योता दिया। तो बीजेपी की वही 13 दिन की सरकार और बहुत ही फेमस स्पीच जो दी थी अटल बिहारी वाजपेयी ने, वो भैया यूट्यूब पे है, देख लीजिएगा। 13 दिन का वक्त दिया था बीजेपी को अपनी बहुमत साबित करने का, बीजेपी साबित नहीं कर पाई थी। इसी के बाद तो यूनाइटेड फ्रंट आई थी,
और यूनाइटेड फ्रंट ने अपने बहुमत साबित कर लिया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पीछे से सपोर्ट था, देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने, लेकिन जैसा कि मैंने बताया सीताराम केसरी ने 10 महीने बाद ही देवेगौड़ा से सपोर्ट पूरा खींच लिया कि जाओ भाड़ में जाओ तुम। तो ये चीज हुई। अब उसके बाद कौन प्रधानमंत्री बनेगा, सीताराम केसरी ने बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स को दिल्ली में बुलाया, लगभग सारी पॉलिटिकल पार्टीज को उन्होंने दिल्ली बुलाया, बीजेपी शामिल नहीं। तो यहां पे बस यही था, सीताराम केसरी के मन में लड्डू फूट रहा था कि भैया मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा, लेकिन बहुत सारी पार्टी जो थे वो इससे राजी नहीं थे, कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पा रहा था, लेकिन आईके गुजराल का नाम आगे रखा गया। दोस्तों बहुत सारी चीजें हुई, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा फिलहाल, ठीक है। बहुत इसमें इतने सारे एंगल्स हैं कि एक के बाद एक वो फिर कड़ियां खुलती जाएंगी, तो फिलहाल अभी मैं उसको नहीं जाऊंगा, मैं अपने लेक्चर को आईके गुजराल तक ही सीमित रखूंगा। तो यहां पे दोस्तों आईके गुजराल का नाम आगे रखा गया। आईके गुजराल इंदर कुमार गुजराल ऐसा नहीं है, उनको भी लोग अपोज कर रहे थे, लेकिन कम लोग थे जो उनको अपोज कर रहे थे। तो इंदर कुमार गुजराल को प्रधानमंत्री बनाओ, ये अब बहुत सारे लोग अपोज भी कर रहे थे, मुलायम सिंह यादव बहुत ज्यादा फेवर में तो नहीं थे, ठीक है। हालांकि मुलायम सिंह यादव आईके गुजराल को कोई बुरा नहीं समझते थे, लेकिन जैसा कि मैंने बताया इस ये जो पूरा का पूरा दंगल चल रहा था, इसमें हर कोई अपना फेवर चाह रहा था, अपना इंटरेस्ट चाह रहा था कि इसमें मुझे क्या मिलेगा, तो इसी चक्कर में हर कोई जो था, यही पॉलिटिक्स होती है, हर कोई लगा हुआ था। हालांकि इंदर कुमार गुजराल के नाम पे फिर सहमति बनी, सीताराम केसरी ने भी ये सोचा कि चलो ठीक है, इंदर कुमार गुजराल को भी हम एक मौका दे देते हैं, और इंदर कुमार गुजराल जो चेहरा है वो भी ठीक है, मेरी इज्जत करता है, इसको बना दो प्रधानमंत्री। तो इंदर कुमार गुजराल को फिर प्रधानमंत्री बनाया गया। और उस समय आईके गुजराल जो थे वो कमरे में सो रहे थे, बैठक चल रही थी, तो वहां पे बैठक मतलब जब ये पूरा डिसीजन लिया तो रात के 2 बजे उनको उठाया गया। ऐसा ये आउट ऑफ द रिकॉर्ड्स बात है दोस्तों कि चलिए महाशय आपको प्रधानमंत्री की शपथ लेनी है। अब आईके गुजराल इतने ज्यादा खुश हो गए कि जिस नेता ने ये चीज बताई तेलुगु देशम पार्टी के, उसको उन्होंने गले से लगा लिया। कि क्या बात है दोस्तों, यही होता है दोस्तों, प्रधानमंत्री पद बहुत बड़ा है, 12th प्राइम मिनिस्टर थे। मैं ये सोचता हूं जब भी मैं पढ़ता हूं ये सारी चीजें कि यहां पे जब पार्टी में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी तो लोगों का क्या, बताइए अगर पार्टी ही स्टेबल नहीं होगी, भारत की पॉलिटिक्स अगर स्टेबल नहीं होगी फिर लोग कहां जाएंगे, सोचिए जरा, जरा सोच के देखिए कि उस समय लोगों का क्या हल हो रहा होगा। बहरहाल तो इंदर कुमार गुजराल को 21 अप्रैल 1997 में प्रधानमंत्री बनाया गया। अब दोस्तों ऐसा है कि यहाँ पे प्रॉब्लम हुई, प्रॉब्लम क्या हुई कि आईके गुजराल के दामन पे दाग है, लालू प्रसाद यादव को बचाने का इनको बोला जाता है कि इन्होंने लालू प्रसाद यादव को बचाया। वो हुआ क्या था दोस्तों कि लालू प्रसाद यादव जो चारा घोटाला हुआ था उसमें लालू प्रसाद यादव का नाम था, सीबीआई ने चार्जशीट फाइल कर दी थी, यहां पे सारे लीगल एक्सपर्ट बोल रहे थे कि कुछ भी हो जाए लालू बच ही नहीं सकता, चाहे जो हो जाए जेल जाना ही जाना है। लेकिन उसी वक्त लालू प्रसाद यादव को किसने बचाया, लालू प्रसाद यादव को बचाया आईके गुजराल ने। आईके गुजराल ने उस समय सीबीआई के निदेशक को हटा दिया वहां से, जब लालू प्रसाद यादव जेल में जाने ही वाले थे उसी समय यह हुआ। दूसरा एक और हुआ कि जब दोस्तों इसी समय की बात है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कही थी आईके गुजराल ने, तो यह भी एक बहुत बड़ी चीज थी। उस समय मुलायम कल्याण सिंह की सरकार थी और कल्याण सिंह की सरकार को बहुमत साबित करना था, बहुमत साबित भी कर दी थी, लेकिन उस समय के गवर्नर ने बोला कि नहीं ये सब बकवास है, तो यहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दो, यह भी आईके गुजराल ने बोला था। तो ये दोस्तों बाद में कोर्ट ने बोला था कि ये बिल्कुल गलत डिसीजन है, ये बिल्कुल गलत डिसीजन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहां पे ये दो दाग जो है, तीन इनफैक्ट, ये आईके गुजराल के दामन पे हैं। अप्रैल 1997 से लेकर मार्च 1998 तक ये मंत्री रहे, उसके बाद जैसा जो होता है वही हुआ, नेशनल कांग्रेस ने फिर धोखा दिया और आईके गुजराल जो है वो ज्यादा सक्सेस जो है वो उनको मिल नहीं पाई एज अ प्राइम मिनिस्टर। बताना चाहता हूं दोस्तों जो इनकी डॉक्ट्रिन थी, गुजराल डॉक्ट्रिन इन्होंने फॉर्म की थी। अब ये क्या थी, ये 5 पॉइंट प्रोग्राम था। मुझे पता है दोस्तों लेक्चर लंबा हो रहा है लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, बस ये चीज आप जरूर सुनिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये 5 पॉइंट प्रोग्राम था किसके लिए, भारत के जो नेबर्स हैं, जो पड़ोसी कंट्रीज हैं, उन सबके लिए, स्पेशली पाकिस्तान। सबसे पहली इसमें चीज ये थी कि जितनी भी पड़ोसी कंट्रीज हैं, कुछ जिसमें जैसे भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, मालदीव्स हो गया, श्रीलंका हो गया, जरूरी नहीं है कि आप रेसिप्रोसिटी जो है वो करें, ठीक है,
यू डज नॉट नीड रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी मतलब क्या होता है कि अगर भारत किसी भी कंट्री के साथ जैसा व्यवहार कर रहा है, अगर वो टैक्स कम कर रहा है जो उनके इंपोर्ट हो रहा है, जो भी चीज हो रही है गुड्स को अगर वो भेज रहा है उन पर अगर टैक्स कम है, तो वो भी कंट्री जो है ठीक वैसा ही करेगी। तो भारत ने बोला ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप जो भी है, जो भी चीजें हैं वो हमारे फेवर में रखिए ताकि रिश्ता जो है वो बना रहे। उसके बाद दोस्तों कोई भी साउथ एशियन कंट्री जो है वो किसी भी कंट्री के अगेंस्ट यूज नहीं हो सकती। मतलब कोई भी साउथ एशियन कंट्री को अगर कोई बाहर का देश यूज कर रहा है कि किसी और देश को प्रॉब्लम करें हम, तो वो ऐसा नहीं हो सकता। तीसरी चीज, कोई भी देश एक दूसरे के मैटर में इंटरफियर नहीं करेंगे। चौथी चीज, हर कंट्री जो है वो इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेगी जो दूसरी कंट्री की है। और सबसे इंपॉर्टेंट, हर कंट्री, हर देश अपने जो भी मैटर हो रहे हैं उसको पीसफुल बायलेटरल नेगोशिएशन से सुलझाएगी। तो ये 5 पॉइंट प्रोग्राम्स थे जिनको गुजराल डॉक्ट्रिन्स भी बोला गया था। दोस्तों क्या कमाल की थी, बहुत सारा इसमें भी काफी अब्रॉड है लेकिन मोटे मोटे तौर पर देखें तो ये कंक्लूजन थे। उसके बाद दोस्तों पॉलिटिक्स में फिर ये नहीं आए, इन्होंने रिटायरमेंट लिया, घर पे रहे ये। 2011 में इनकी पत्नी का निधन हुआ और फिर 2012 30 नवंबर 2012 चार दिन पहले अपने 93वें बर्थडे के दिन मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया था और इनका भी निधन हो गया था, इनका भी स्वर्गवास हो गया था। तो 2012 30 नवंबर इन्होंने आखिरी सांस ली, लेकिन जो इनकी जर्नी थी दोस्तों वो कमाल की थी। आशा करता हूं ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। प्राइम मिनिस्टर सीरीज कंप्लीशन पे है अपने, सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर बचे हैं, राजीव गांधी। मैं बहुत जल्द उनकी बायोग्राफी का रिव्यू लेके आऊंगा, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, सैनिक।